Good morning students. Today we are going to read subject English Standard 3 lesson number 5. Your lesson is Little by Little. This is a poem. Now I am going to read and explain to you. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it slipped the dew. यहाँ पे क्या है, acorn means oak tree का जो seed, जो बीज होता है वो, उसे क्या कहते हैं, acorn. यहाँ पे बीज अपनी वो seed है, वो अपनी story बता रहा है कि रोज धीरे धीरे, little by थोड़ा थोड़ा सा, धीरे धीरे मैं मोजी बैड में धसता जा रहा हूँ. मोजी बैड किसको कहा है, जो मिट्टी होती है गिल्ली गिल्ली, उसे यहाँ पे अकॉन ने मोजी बैड कहा है. उसके लिए वो बैड हो गया ना, वो अंदर चला गया है, तो उसको मोजी बैड कह रहा है. जो सीड है वो सीड बीज, वो ऐसा कह रहा है कि मैं मोजी बैड में धीरे धीरे धसता जा रहा हूँ और रोज मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं रोज इम्प्रूव हो रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. धरती में नीचे की ओर, डीप इन द अर्थ, डीप गहराई में, धरती की क्या हो रहा है, वो लिटिल बाय लिटिल रोज बढ़ रहा है. और वो क्या करता है, जो सीड है वो लिटिल बाय लिटिल इट शिफ्ट द ड्यू, और धीरे धीरे वो शिफ्ट मतलब घुट घुट करके कुछ पीना. तो यहाँ पे ड्यू को वो रोज धीरे धीरे ले रहा है पीना. नेक्स्ट पैरा, डाउनवर्ड इट सेंड आउट थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रेंग अटनीसूट. धरती के नीचे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, जो पौधा, कोई भी छोटा सा पौधा होता है तो उसके जो रूट होते हैं ना, उसके बारे में आगे बताया है. जब छोटा होता है तो उसके जो रूट होते हैं वो एकदम पतले पतले धागे जैसे होते हैं, जिसे थ्रेड लाइक सूट कहा है, होता है यहाँ पे. थ्रेड मीन्स यहाँ पे वो थ्रेड का मतलब होता है धागा, घोड़े के जैसे. डाउनवर्ड इट सेंड आउट द थ्रेड लाइक रूट, जो उसके रूट है वो थ्रेड जैसे हैं नीचे की ओर, और ऊपर कैसा है, टिटी शूट, ग्रीन ग्रीन पत्ते जो ऊपर की ओर आए हैं वो छोटे छोटे शूट हो चुके हैं उसमें, जो बीज है उसके. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द न्यू सफियर. डे बाय डे रोज बरोज, साल सालों साल मतलब ईयर बाय ईयर हर साल क्या हो रहा है यहाँ पे, रोज बरोज और एक साल या फिर दूसरा साल है, इस तरह से सालों साल. लिटिल बाय लिटिल द न्यू सफियर, और धीरे धीरे उसमें पत्ते लग रहे हैं, लीव्स मतलब पत्ते, अपियर मतलब आ रहे हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. स्लेंडर मतलब पतली सी, थिन, राइट. वो क्या है, लॉन्ग एंड थिन ब्रांचेस है मतलब पतली सी, लंबी लंबी जो ब्रांच है उसकी, वो दूर दूर तक फैल रही है. टिल द माइटी ओक इट्स द फॉरेस्ट स्प्रेड. और कहाँ तक फैलती है वो, जब तक कि वो माइटी मतलब पावरफुल ओक मतलब ट्री का नेम इस फॉरेस्ट राइड. कहाँ तक वो बड़ा हो रहा है, वो बीज लास्ट में जाके जब तक वो अपने फॉरेस्ट में इतना बड़ा हो जाता है कि फॉरेस्ट का ही वो प्राइड हो जाता है. एक छोटा सा बीज था, उसको ऐसा लगा कि मैं मोजी बैड में रोज धसता जा रहा हूँ. वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, नीचे की ओर धरती में उसके छोटे छोटे धागे जैसे रूट आने लग गए, और ऊपर की ओर ग्रीन ग्रीन वो शूट हो रहा था, राइट, ये शूट स्प्रेड फैल रहे थे. सडनली जिसको बोलते हैं जंप लेना, जब कोई बीज उगता है मिट्टी में डालते हैं हम, तो नीचे की ओर धागे जैसे उसके रूट्स होते हैं, और ऊपर की ओर वो सडनली फिर आने लगता है, छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन पौधे जैसे उगने लगते हैं, राइट. तो और फिर वो उगता है, थोड़ा थोड़ा ड्यू पीता है वो सिप सिप करके, और फिर उसकी जो डालियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, वो फार फार पतली पतली लंबी लंबी डालियाँ जो दूर दूर तक फैलती हैं. और कब तक फैलती हैं, जब तक कि वो हमारा अपने फॉरेस्ट का प्राइड ना हो जाए, फॉरेस्ट में सबसे मजबूत पावरफुल ओक ट्री ना बन जाए, वहाँ तक वो ब्रांचेस फैलती हैं. यहाँ पे ये ट्री दिखाया है, एक छोटे से पौधे से इतना बड़ा ट्री में वो चेंज हो रहा है, राइट.
दिस इज अ सीड, ये सीड है, ये अपनी पूरी स्टोरी बोल रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द समरी ऑफ दिस पोएम. इन द पोएम लिटिल बाय लिटिल द अकाउंट टेल्स अबाउट इट्स लाइफ. इट स्लोली सिंक्स इन टू द सॉइल. द मोर इट ग्रोज, इट स्लोली ड्रिंक्स द वाटर. इट रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड इट्स शूट्स ग्रोज अपवर्ड. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड फार अवाइड. द ओक ट्री इज द फॉरेस्ट प्राइड. ओके, सो सेम थिंग जो मैंने आपको बताया वही समरी में लिखा हुआ है, पूरा स्टोरी सीड के बारे में. स्टूडेंट्स ये वॉकअप ग्रीड है, ये आपको आपकी नोटबुक में वर्ड और मीनिंग दोनों लिख लेने हैं. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन द एक्सरसाइज टू यू. बिफोर देट जस्ट गिव मी अ सेकंड. Forest Pride.
appears like a balladry. How do the slender branches spread? The slender branches spread far and wide. What is the forest pride? The mighty oak tree is the forest pride. Question number 4 is over now. Question number 5. Answer the following question. Name the tree that the acorn grows into. What is the name of tree? That is oak tree. What thing does a seed need to grow? Air, water and sunlight. क्या चाहिए बीज को ग्रो होने के लिए? तो क्या चाहिए? हवा, पानी और जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो उजाला होता है वो. Air, water and sunlight. How many describing words can you find in this poem? यहाँ पे describing word कितने आप ढूंढ सकते हो आपकी poem में से? So that is little story Mosey Timmy Slender. You can see your all answer over here. Now students, question number 6, and that is match the opposite. One has been done for you. First one is downward, match with upward. Slowly, firstly, little, big, slender, fat, mighty, mighty, so, week, day, night. यहाँ पे स्टूडेंट्स डे के साथ में ये वीक मैच हो रखा है, ऑलरेडी प्रिंट है मेरी बुक में, है आपकी बुक में हो तो उसे आप इसी तरह से क्रॉस कर दीजिएगा. उसे आप यहाँ से हम मैच नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग. डे को वीक से मैच नहीं कर रहा है. इफ़ आपकी उस बुक में अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए. अब जो मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पे लिखा है डे के साथ में नाइट को मैच करना है. डे के साथ नाइट, डे के साथ वीक मैच नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है. सो डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्लोली, फास्टली, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके सेंटेंस बनाने हैं. डे, टुडे इज संडे. ब्रांचेस, दिस ट्री हैज मेनी ब्रांचेस. लीव्स, द कलर्स ऑफ लीव्स आर ग्रीन. रूट, बनियन ट्री हैज, यह है हरियर रूट. सूट, रोज, सूट रोज अबाउट द. Today is Sunday. This tree has many branches. The colors of leaves are green. Banyan tree has area roots and so grows above the ground. Your question number 8 started. Complete the sentence with the opposite of the underlined word. यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनको अंडरलाइन किया हुआ है आपके जो क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसमें ये कुछ वर्ड है वो अंडरलाइन किए हैं, उसका हमें अपोजिट लिखना है. द स्ट्रीट इज नैरो बट द रोड इज, सो आंसर इज वाइड. वाइड मीन्स नैरो इज सकड़ा हुआ, वाइड मीन्स चौड़ा. द लेक इज डीप बट द पॉन्ड इज शैलो. द बैंक इज फार फ्रॉम द स्कूल बट द हॉस्पिटल इज नियर. द स्कूल यहाँ पे फार है, उसका नियर डीप, शैलो, नैरो, वाइड. एंड लास्ट है आई है, आई हेट लेडी फिंगर बट आई लव पोटैटो. ये लव, नैरो, वाइड, डीप, शैलो, फार, नियर और एंड द लास्ट डीप है और आगे उसका एक का हो गया लव, पसंद करना और ना पसंद करना. एक और है हमारा नेक्स्ट पेज पे, ई, अनी इज टॉल बट गरिमा इज शॉर्ट. टॉल, शॉर्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स.
with the correct form of objective given in the brackets. Use them as well. So यहाँ पे ब्रैकेट में जो कुछ आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट, यूज देम एज वेल. ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं, सॉरी हाँ एडजेक्टिव दिए हैं, मेरे मुंह से दो बार ऑब्जेक्टिव निकल गया. दिस इज एन एडजेक्टिव, उसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव कुछ दिए हुए हैं, उसमें आपको देन यूज करना है, वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें यूज करना है. अब जनवरी इज कोल्डर देन फेब्रुअरी, कोल्ड है उसका फॉर्म बन जाएगा कोल्डर. जनवरी इज कोल्डर देन, क्योंकि हमें देन यूज करना है तो हमने पीछे यहाँ देन वर्ड यूज किया. फेब्रुअरी, जनवरी क्या है, फेब्रुअरी से थोड़ा ठंडा है, उसमें ठंडक ज्यादा होती है, तो वो मंथ है वो थोड़ा ठंडा है उससे ज्यादा. अदिति इज शॉर्टर देन महक, अदिति क्या है, महक से, महक की हाइट लंबी है और उससे थोड़ी छोटी है. रिवर गंगा इज लॉन्गर देन यमुना, जो गंगा नदी है वो यमुना से ज्यादा थोड़ी लंबी है. द ब्रिज इज वाइडर देन द लास्ट वन, एंड लास्ट इज एंड एप्पल इज हैवियर देन अ लेमन. यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिए हैं ये हमने वर्ड यूज करे, और उसके साथ में हमने देन जो था या हमें लिखा था यूज देन एज वेल, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया. सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया, और अब हम लेसन नंबर 6 द इनोमस टर्निंग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एंड थैंक यू.